नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो आज ये देखिए, आज मैं मखानों से कुछ नया बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं मखाने और मेरे पास है गुड़। तो मैं इन दोनों चीज़ों से कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। और मेरे पास है ये तिल, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से नारियल भी ले सकते हैं, नारियल का बारूदा। लेकिन मैं बस इन्हीं चीज़ों से बताने वाली हूँ। और झटपट से बनने वाली रेसिपी है, जब भी कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं मखानों के साथ। तो मखाने तो आपने कई तरीके से खाए होंगे, एक बार आप इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा। बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे और खाने में भी हेल्दी है। ऐसा नहीं कि ये हेल्दी नहीं है, बच्चे बड़ों सभी के लिए हेल्दी हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई को गैस पे रख लेते हैं, उसमें मखाने को भून लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम क्या करते हैं, हम पहले मखानों को थोड़ा सा भून लेते हैं। जितने हमें ये रेसिपी बनानी है हम अपने हिसाब से कर लेंगे तैयार। तो ये मैं मखाने डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये 2 कप मखाने डाल दिए हैं और अब इन्हें हम भून लेते हैं। आप चाहे तो इन्हें इसी तरीके से भून सकते हैं या इसमें थोड़ा सा घी डाल करके इसे भून सकते हैं। बस इसको थोड़ा करारा करना है, जो क्रंचपन होता है। अभी क्या है, ये अभी ये सील रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ये क्रंचपन नहीं है। तो इन्हें मैं भून लेती हूँ पहले। तो मैं भूनने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 टीस्पून घी, देसी घी। इससे बहुत ही अच्छे मखाने में खुशबू आ जाएगी और भून करके तैयार हो जाएंगे। तो इसे मिक्स कर देंगे और इसे भून लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे भून करके तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हम क्या करेंगे, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। इस तरीके से उठाएंगे और इसे देखेंगे, ये देखिए इसमें क्रंच बना गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। तो मखाने हमने भून लिए हैं, अब हम डाल देते हैं ये तिल। तिल को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी भूनने से इसमें। तो पहले हम इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो ये भूनना इसलिए ज़रूरी है, इसमें जो ये सिलाबन आ जाती है रखे हुए, ये सील जाते हैं, इसमें नमी आ जाती है तो ये निकल जाती है थोड़ा सा इसको भूनने से। और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए, हमें इसका कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि इसकी ये नमी जो है वो निकल जाए। तो ये लीजिए, ये भी रेडी हो गए हैं, इन्हें भी निकाल देते हैं। अब हम रखेंगे कढ़ाई, इस कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। तो ये देखिए, यहाँ पे मखाने भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं और तिल को भी हमने पलट दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में घी, वो सॉरी गुड़। गुड़ को डाल देते हैं। ये मैंने एक कप गुड़ लिया है, आप मीठा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। घी जल्दी मेल्ट होने के लिए मैं क्या करूँगी कि इसमें 2 टीस्पून पानी डाल देती हूँ। ये अच्छी तरीके से पिघल जाएगा, पिघलने में आसानी हो जाएगी इसे। तो हम इसे चलाते हुए मिला लेते हैं पहले इसको। गुड़ को हमें चलाते रहना है, अगर नहीं चलाएंगे तो ये क्या होगा कि ये साइड से भी लग जाएगा और फिर इसमें कड़वापन आ जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें चलाते हुए इसे बनाना है इसकी चाशनी। इस तरीके से ये देखिए, पानी डालने से ये जल्दी पिघल जाता है गुड़। ये देखिए पिघल करके किस तरीके से इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे थोड़ा सा गुड़ को एक कटोरे में पानी डाल करके इसको एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पानी ले लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये गुड़ का मिश्रण डाल देती हूँ और बस थोड़ी देर रुकेंगे और इसे एक बार देखेंगे। तो मैं इसे देख लेती हूँ, इसे उठाएंगे और ये इस तरीके से, ये देखिए ये टूट रहा है, इसका मतलब हमारा ये रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हमें चाहिए। अगर ये खिंचता है तो अभी हमारी चाशनी रेडी नहीं हुई है, फिर इसमें पका लीजिएगा। और अब देखिए, इसमें मैं कुछ और डाल देती हूँ, इसमें फ्लेवर दे देते हैं थोड़ा सा मखानों में। तो यहाँ मैंने हरी इलायची ली है, वो डाल देते हैं, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मीठे को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 2 से 3 काली मिर्च है और 2 से 3 ही हरी मिर्च हरी इलायची है, जिनको मैंने कूट करके इसमें डाल दिया है। और इसी के साथ मैं डालूँगी वन फोर टी स्पून सौंठ का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और गर्मियों में सर्दियों में ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे डाल करके ज़रूर बनाइए इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, जिसमें होता है कि क्या ये थोड़ी देर
तक ये सील जाते हैं, थोड़ी देर के बाद में सिलावन आ जाती है वो, उसको लॉन्ग टाइम के लिए हमें क्या करना है, 2 पिंच हमें डाल देना है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इससे क्या होगा कि ये काफ़ी दिनों तक क्रंची रहेंगे और खाने में भी इसमें मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए, अब हम इसे मिला करके अच्छी तरीके से अब हम इसमें डालेंगे मखाने। तो ये रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा ये बन करके, ये देखिए कैसे रिबन की तरह ये गिर रहा है, तो इसी तरह का हमें ये चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें मखाने, तो जो मखाने हमने भून करके रखे हैं वो डाल देते हैं। ये देखिए मैंने सभी मखाने इसमें डाल दिए हैं और इसे मिला देंगे अच्छी तरीके से, मिलाएंगे गुड़ के अंदर जिससे कि ये सभी मिल करके तैयार हो जाएं। इस टाइम पे आप गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं, तो मैं बंद कर रही हूँ गैस की फ्लेम को और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए, ये देखिए अब मिलाने के साथ साथ जो हमने तिल भून के रखे हुए थे अब हम वो भी डाल देते हैं, ये इसी में इसी के साथ अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, वरना क्या होगा कि ये ठंडा होके गुड़ में अच्छे तरीके से मखाने और तिल मिल नहीं पाएंगे। ये देखिए बस इन्हें अच्छे तरीके से मिला देना है सभी को। अगर ये गुड़ ठंडा होके जमने लगे तो आप क्या करिएगा, अगर ये सही से नहीं मिले हैं तो गैस को थोड़ा सा ऑन कर लीजिएगा और गैस की फ्लेम को कम ही रखिएगा, ज़्यादा ना करें उसको, बस इस तरीके से इसे मिक्स कर दें तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये सारा हमारे मखाने और तिल मिल करके तैयार हो गए हैं गुड़ के अंदर, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब हम क्या करेंगे, जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा जिससे कि ये चिपके ना, और इस तरीके से लगा करके जो हमने ये मखाने गुड़ में मिला करके रखे हुए हैं अब हम उसे इसमें पलट देंगे। तो आराम से पलटे इसको, अब हम इन्हें ठंडा करना है। तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से ये चिपक गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। देखिए जब ये इतना ठंडा हो जाए कि मतलब हाथ से हम छू सकें उस टाइप का हो जाना चाहिए, तो तभी हम इन्हें एक एक करके अलग अलग कर देंगे, वरना क्या होगा कि और भी ठंडे हो जाएंगे तो ये टूटने लगेंगे अगर हम इन्हें अलग करेंगे। तो हम इन्हें इस तरीके से अलग कर देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इसे जो है ना हल्के गर्म में ही करना है, अगर ये ठंडे हो गए तो ये चिपक जाएंगे फिर अलग नहीं हो पाएंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से हो जाएंगे ये, और देखिए कितने क्रंची बने हैं, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा आपको कितनी साउंड है इसका, ये देखिए। और खाने में भी एकदम, ये देखिए कभी भी बनाइए, खाइए, बड़ों को भी खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए, मेहमानों के सामने भी रखिए, देखिए देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये। आप इसे जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये काफ़ी टाइम तक करारे बने रहेंगे। तो देखिए तो बस इसी तरीके से बनाइएगा, खाइएगा, और अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास ही में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। और ये लीजिए झटपट से बन के हो गया है हमारा ये मखाने का स्नैक, देखिए कितना बढ़िया है और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और झटपट से बन करके तैयार हो गया है मिनटों में। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद।